नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न का गुणा, गुणनखंड और साधारण ब्याज, वर्गमूल, घनमूल और समीकरण सभी को एक साथ एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपके इतने सारे जो टॉपिक हैं सारे एक ही वीडियो में कवर होने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग, फिर इसके बाद में हम एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे, फिर भिन्न का गुणा और गुणनखंड सीखेंगे, फिर इसके बाद में ये चारों टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगली स्लाइड में हमारा यहां पर लिखा हुआ है जोड़, घटाना, गुणा और भाग, तो इनको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारा जोड़ का सवाल लिखा हुआ है, 6354 में हमें 3927 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। यहां पर देखिए कितना है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर 7 है, तो 7 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्लियर है, 7 लाइनें खींच दी। अब सभी को एक साथ हमें गिनना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 हो गए हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे 11, देखिए ऐसा लिखाता है, तो 11 का जो एक है वो हम लिखेंगे यहां पर, और जो एक है वो आ जाएगा हासिल यहां पर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमारा यहां पर जो दूसरी वाली पंक्ति है इसको जोड़ेंगे, तो यहां पर देखिए 5 है, तो सबसे पहले 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 2 जोड़ना है, तो 2 लाइनें और खींच लेते हैं, तो यहां पर देखिए 1 2, ठीक है, यहां पर एक हासिल वाला है तो इसको भी जोड़ लेते हैं। अब सभी को गिनिए फिर से एक साथ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 हो गया, तो हम यहां पर लिख देंगे 8, कितना लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे 8, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारा अगली पंक्ति में, यानी अब इनको जोड़ेंगे, तो यहां पर क्या है 3, तो सबसे पहले 3 लाइन खींचिए, 1 2 3, ठीक है, अब 9 इसमें जोड़ना है, तो 9 लाइनें और खींचेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब सभी लाइनों को हम एक साथ क्या करेंगे, गिन लेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कितना हो गया 12, ठीक है, तो 12 का जो 2 है वो तो आ जाएगा यहां पर, और जो 1 है ये हासिल में आ जाएगा यहां पर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब फिर से हम जोड़ेंगे, यहां पर देखिए 6 और 3 को जोड़ना है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले 6 को 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें 3 जोड़ना है, तो 3 लाइन और खींच लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए एक हासिल वाला है, तो इसको भी हम जोड़ेंगे, एक लाइन और खींच लेंगे। अब सभी को एक साथ गिन लीजिए, तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गया, तो यहां पर हम लिख देंगे 10, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, इतने ही सिंपल तरीके से आप जोड़ को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और जोड़, घटाना, गुणा, भाग की मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो वीडियोस देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे घटाना, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने जोड़ किया है, सेम वैसे ही हम घटाना के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ पर 10 लाइनें खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10 में से हमें 6 घटाना है, तो देखिए 6 लाइनों को काटना है, तो देखिए एक लाइन कट गई, 2 3 4 5, 5 लाइनें काट दी, और देखिए 6, तो यहाँ पर कितने बचे, 1 2 3 4, 4 बचे, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर 5 में से 9 को घटाना है, लेकिन यहाँ पर 5 तो बचा ही नहीं, एक उधार ले लिया था, तो यहाँ पर अब कितने बचे हैं, यहाँ पर बचा है 4, अब 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे एक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, अब 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो चलिए 14 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 लाइनें खींचनी। अब इसमें से हमें कितने घटाना है, 9 घटाना है, तो 9 लाइनों को हम काटेंगे, तो चलिए काट देते हैं, देखिए 1 2 3
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ लाइनें हमने काट दी हैं, ठीक है। तो अब कितनी बची हैं उनको गिन लीजिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच बची हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 5 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, यहाँ से हमने एक उधार लिया था, यहाँ पर कितने बचे, 3, ठीक है। तो यहाँ पर अब 3 बचे हैं और यहाँ पर 3 में से अब 5 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक उधार लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। अब 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 13 लाइनें खींच लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13 लाइनें खींच ली। अब 13 में से हमें कितने घटाना है, 5 को, तो 5 लाइनों को काट दीजिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 लाइनें हमने काट दी, कितनी बची हैं उनको गिनिए। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बची हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8, ठीक है। चलिए आगे हमारा देखिए, यहां से हमने एक उधार लिया था तो यहां पर अब बचे हैं 8। अब 8 में से 4 को हमें घटाना है, तो 8 में से 4 को घटाएंगे। तो देखिए 8 लाइनें खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब 4 लाइनें घटाना है तो 4 लाइनों को काट दीजिए। तो ये 4 लाइनें हमने काट दी, कितना बचा, 1, 2, 3, 4 4 बचा, तो यहां पर हम लिख देंगे 4, और यही जो है हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुणा का सवाल एक लिखा हुआ है, तो गुणा करने का तरीका क्या है, तो देखिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर 6 है, तो इस 6 का गुणा सबसे पहले इसके साथ होगा, फिर 6 का गुणा इसके साथ भी होगा, ठीक है। फिर 6 का हो जाएगा तो फिर 2 का भी पहले इसके साथ होगा और फिर इसके साथ होगा, ठीक है। मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणा दोनों संख्याओं में होगा, ठीक है, ये तरीका होता है। चलिए अब हम करते हैं गुणा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि गुणा करने के लिए हमें 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए। अगर आपको पहाड़े याद नहीं होंगे तो आप गुणा कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं गुणा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहां पर 6 का गुणा 7 में करना है, मतलब 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़िए, 6 × 6, 6 × 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 25, 6 × 36, 6 × 36, 6 × 47, 42 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर कितना आया है, 42 आया है। तो 42 का जो 2 है वो लिखेंगे हम यहां पर, और जो 4 है ये आ जाएगा हमारा हासिल, ठीक है। 4 कितना आ गया, हासिल आ गया, ठीक है। अब देखिए 6 का हम 7 में कर चुके हैं, अब 6 का हम 6 में करेंगे। तो चलिए 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं, 6 × 6, 6 × 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 25, 6 × 36। 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आया, 36। तो 36 को हम यहां पर लिखेंगे और हासिल के साथ में जोड़ लेंगे। तो 6 × 4 = 10 और हासिल 1, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 4, तो कितना हो गया, 40। तो यहां पर हम लिख देंगे 40, ठीक है। देखिए अब 6 का गुणा इन दोनों के साथ में हो चुका है, अब 2 का गुणा भी इन दोनों के साथ में होगा। तो देखिए इसका हो चुका, मतलब एक अंक हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक अंक के नीचे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब यहां से 2 का गुणा हमें इन दोनों में करना है, तो देखिए यह भी बहुत आसान है। तो देखिए 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10, 2 × 12, 2 × 7, 14। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर कितना आता है, 14 आता है, ठीक है। तो 14 का जो 4 है वो तो हम लिखेंगे कहां पर, यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 4 आ गया, और जो 1 है ये क्या आ जाएगा, हमारा हासिल, ठीक है। 1 हमारा क्या हो गया, हासिल आ गया है, ठीक है। अब देखिए 2 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ लिया, अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, 2 × 12, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है, 12। तो 12 हम लिखेंगे यहां पर, और 12 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। तो ये आ जाएगा हमारा 13। अब इनको जोड़ लीजिए, तो देखिए यहाँ पर 2 है तो ये 2 आ गया, यहाँ पर 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ पर 1, ठीक है। तो 1742 जो है ये हमारा आंसर आ गया है गुणा के सवाल का, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद में करने वाले हैं भाग के सवाल को। तो भाग का सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर लिख कर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बाकी जो सवाल है इनको मैं यहाँ साइड कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा साइड हो जाएगा, इसको एक साइड में कर देते हैं और हमारे भाग के सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा जो भाग का सवाल है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और फिर हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए भाग का सवाल आपके सामने है, अब इसको हल कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए 4 है, ठीक है, 4 का भाग हमें इस संख्या में लगाना है, ठीक है। तो हमें 4 का पहाड़ा यहाँ पर इतनी बार पढ़ना है कि या तो 1 आए या 1 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 1 तो बहुत छोटा है, 1 में तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों में ट्राई करेंगे,
तो अब हमें क्या करना है, चार का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 15 आ जाए या 15 से कम आए, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, चार एकम चार, चार दुनी आठ, चार तीय 12, चार चौके 16। तो देखिए 16 इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, चार तीय 12, ठीक है, तीन बार। चार का पहाड़ा तीन बार पढ़ने पर कितना आता है, 12 आता है, तो 12 हम लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर घटा देंगे तो देखिए पांच में से दो जाएंगे तो तीन बचेगा, और यहाँ पर एक में से एक जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसका अगला नंबर क्या है, चार है, तो चार को अब हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा चार। अब देखिए यहाँ पर हो गया 34। अब हम चार का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 34 आए या 34 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 34 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, चार एकम चार, चार दुनिया आठ, चार तीय 12, चार चौक 16, चार पंजे 20, चार सिंह 24, चार सत्ते 28, चार अट्ठे 32, चार नाम 36। तो 36 जो है वो 34 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, चार अट्ठे 32। चार का पहाड़ा आठ बार पढ़ने पर क्या आता है, 32 आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32। अब इसको हम घटाएंगे तो देखिए चार में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, दो बचेगा, और यहाँ पर तीन में से तीन जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया, अब इसका अगला नंबर क्या है, नौ है, तो इस नौ को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। तो ये नौ आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर नौ। अब यहाँ पर कितना हो गया, 29। अब हम चार का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 29 आए या 29 से कम आए, लेकिन 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, चार एकम चार, चार दुनिया आठ, चार तीय 12, चार 16, चार पंजे 20, चार सिंह 24, चार सत्ते 28, चार अट्ठे 32। तो 32 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, चार सत्ते 28, सात बार, ठीक है। तो चार का पहाड़ा सात बार पढ़ने पर कितना आता है, चार सत्ते 28, तो यहां पर हम लिखेंगे 28, और इसको हम फिर से घटा लेंगे। नौ में से आठ जाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक दो में से दो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, इस तरफ कितना है, दो है, नौ का अगला नंबर क्या है, दो है, तो इस दो को अब हम उतारेंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा कितना, यह आ गया हमारा दो। अब हम चार का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 12 आए या 12 से थोड़ा कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, चार एकम चार, चार दुनी आठ, चार तीय 12। चार का पहाड़ा तीन बार पढ़ने पर 12 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीन। चार का पहाड़ा तीन बार पढ़ने पर कितना आता है, 12, तो 12 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको घटाएंगे, 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो संख्या आई है, ये क्या है, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, ये जो है हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हमारे जो अगले सवाल हैं उनको हम सॉल्व करते हैं और LCM और HCF निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम LCM निकालेंगे इन्हीं संख्याओं को, फिर इसके बाद में हम HCF निकालेंगे, ठीक है। तो LCM निकालने का तरीका क्या है, तो यहां पर देखिए एक लाइन हम इस तरीके से खींचते हैं और दूसरी लाइन इस तरीके से खींचते हैं और यहां पर संख्याओं को लिख देते हैं, ठीक है। तो संख्याएं पहले से लिखी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या से भाग देना है जिससे ये संख्याएं डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो से ही भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए दो दुनी चार, ठीक है, दो दुनी चार हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इसमें कितनी बार जाएगा, दो इच्छिंग 12, ठीक है, 15 में नहीं जाएगा, 15 को ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए आगे देखिए, अब इसके बाद देखिए फिर से दो से देंगे तो दो एकम दो, ठीक है, यहाँ पर दो तिया 6 और 15 में नहीं जाएगा, 15 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो से नहीं जाएगा, यहाँ भी दो से नहीं जाएगा, और यहाँ पर तो एक है ही, तो अब हम क्या करेंगे, तीन से देंगे तो एक को जैसा ही छोड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा तीन एकम तीन, और यहाँ पर ती पाँच 15, ठीक है। अब हम फिर से एक बार पाँच से दे देते हैं तो ये हो जाएगा पाँच, ये एक हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया, और यहाँ पर पाँच एकम पाँच, ठीक है। तो नीचे एक एक आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो सवाल है लगभग पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आंसर निकालेंगे। तो आंसर निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या दी गई है इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो देखिए दो दो तीन पाँच, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पाँच, ठीक है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, दो दुनी चार, चार तीया 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो यहाँ पर जो 60 है वो हमारा क्या आ गया है, आंसर निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को LCM निकालते हैं। अगर LCM भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप LCM निकालना भी सीख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम सीखेंगे HCF निकालना, तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ और हम HCF निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें। चलिए आइए अब हम सीखेंगे HCF निकालना, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहाँ पर ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो ये है हमारा HCF का सवाल, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, संख्याओं के अलग अलग हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इनके गुणनखंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चार के हम गुणनखंड करेंगे, तो देखिए ये हमारा चार हो गया, चार को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
दो गुणा दो, ठीक है, दो दुनी चार होता है, और इसमें एक का गुणा कर देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे चार के गुणनखंड हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं बारह, अब हमें बारह के गुणनखंड करने हैं, तो बारह के क्या हो जाएंगे, देखिए चार गुणा तीन गुणा एक, ठीक है, चार तिया बारह, बारह एकम बारह, ठीक है। लेकिन अभी ये पूरे तो हुए नहीं है, तो इसके लिए एक स्टेप और कर लेते हैं, चार के दो टुकड़े और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दो दुनी चार, चार तिया बारह गुणा एक, ठीक है। तो ये हमारे बारह के गुणनखंड हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर खिसका के लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे क्या हो गए, बारह के गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद में हमें क्या करना होगा, इसके बाद में हमें 15 के भी गुणनखंड निकालने होंगे, तो अब हम 15 के गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 15 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर तीनों संख्याओं के हमने क्या कर दिए हैं, गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर HCF होता क्या है, HCF वो होता है जो तीनों संख्याओं में जो गुणनखंड कॉमन हो वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो देखिए, इसमें तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, देखिए दो जो है वो इन दोनों में है, ठीक है, दो जो है वो इन दोनों के अंदर है, ठीक है। देखिए, दो जो है सिर्फ इन दोनों में है, ठीक है, इसमें दो नहीं है। इसके बाद में देखिए, ये वाला दो है, ये भी दोनों में ही है। इसके बाद में देखिए, तीन जो है वो इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, मतलब कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। अब कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन यहाँ पर सिर्फ एक है, ये वाला जो एक है ये तीनों में कॉमन है, मतलब इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा हमारा एक, ठीक है। तो यहाँ पर HCF आ गया है एक, ठीक है। जो संख्या तीनों में कॉमन होती है वही हमारा HCF होती है, तो ये हमने यहाँ पर HCF निकाल लिया है, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे और हमारा अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, भिन्न का गुणा और गुणनखंड निकालना अब हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं भिन्न का गुणा करना, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा का सवाल लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, 4/5 गुणा 6/7 गुणा 9/8 हमें दिया गया है, ठीक है। तो गुणा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप चेक कर लो कि नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो उसको काट दीजिए, नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए कौन सी संख्या कट रही है, यहाँ पर देखिए 6 और 8 कट रहा है, 2 से कट जाएगा, तो चलिए इसको काट देते हैं। देखिए 2 + 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 8। अब कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका गुणा कर देंगे। तो ऊपर क्या है, देखिए 4 गुणा यहाँ पर क्या है, देखिए 3 है तो यह आ जाएगा 3 गुणा यहाँ पर क्या है, 9 तो यह आ जाएगा 9, ठीक है। नीचे वाली सभी संख्याओं गुणा कर लीजिए, 5 × 7 × 4, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 × 9, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 5 × 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 गुणा यहाँ पर 7 है तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर 12 और 20 को हम काट सकते हैं 2 से, तो चलिए काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से काटेंगे, देखिए 2 × 20 और यहाँ पर 2 × 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10, ठीक है, और यहाँ पर 2 × 3 = 6, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, देखिए 3 × 9, नीचे कितना है, 5 × 7, ठीक है, गुणा कर लीजिए, 9 × 3 = 27, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा आंसर निकल कर आ चुका है 27/35। तो इस प्रकार से आप भिन्न का गुणा करते हैं। चलिए भिन्न के गुणा का एक और सवाल देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको साइड कर देते हैं और एक और सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक और सवाल मैं यहाँ पर करवाता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2/5 गुणा 3/2 गुणा 8/8 मान लीजिए 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई संख्या आपस में कट तो नहीं रही है, नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को आप काट सकते हैं। तो देखिए 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, और कोई संख्या देखिए यहाँ पर कट रही है क्या, नहीं कट रही है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनका गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 और 8 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 और 5 है तो इनका गुणा हो जाएगा, तो देखिए 8 + 3 कितने हो जाएंगे, 24, तो ये हो गया 24/5, यहाँ पर 5 × 7 = 35, तो ये हो गया 35, 24/35 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से भिन्न का गुणा किया जाता है। चलिए अब आते हैं गुणनखंड पे, तो गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है अब हम ये सीखते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड के सवाल लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए 1024 है, तो इसके गुणनखंड हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1024, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, जैसा हम एलसीएम निकालते सेम वैसा यहाँ पर करना है। तो 2 से काटिए सबसे पहले, तो देखिए 2 × 5 = 10,
ठीक है, दो एकम दो और यहां पर कितना हो जाएगा, दो दुनी चार। ठीक है, फिर से हम दो से ही करेंगे तो दो दुनी चार, यहां पर देखिए एक है तो यहां पर एक बचा है तो कितना हो जाएगा, ग्यारह, ग्यारह में कितनी बार जाएगा, दो पंजे दस। ठीक है, फिर एक बचेगा, दो छिंग बारह। ठीक है, फिर से दो से ही करेंगे तो देखिए दो एकम दो, दो दुनी चार, एक बचेगा तो यहां पर हो जाएगा दो अट्ठे सोलह। ठीक है, फिर से दो से कर दीजिए, दो छिंग बारह और यहां पर दो चौके आठ। ठीक है, फिर से दो से करते हैं तो दो तीया छः, दो दुनी चार। ठीक है, फिर से दो से करते हैं, दो एकम दो और एक बचेगा तो दो छिंग बारह। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जो सवाल है हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 16 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दो से दो अट्ठे 16, फिर से दो से देंगे दो चौके आठ, फिर से दो से देंगे दो दुनी चार। ठीक है, फिर से दो से देंगे दो एकम दो। तो जब तक नीचे एक नहीं आएगा तब तक हम इसको करते रहेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पर बने हुए हैं ये जो है यही हमारे क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कितनी बार है, दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं दो की घात दस जो है इसका गुणनखंड निकल कर आ गया है। चलिए दूसरी जो संख्या है उसका भी हम क्या करते हैं, उसका भी अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं साइड कर देता हूं और हमारा जो दूसरा सवाल है उसको हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 729 जो है इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 729। ठीक है, तो यहां पर देखिए काय से जाएगा, तीन से कट जाएगा, तीन से काट देते हैं। देखिए सात है तो तीन दुनी छः, एक बचेगा यहां पर हो जाएंगे बारह, तो ती चौके बारह। ठीक है, यहां पर तीन तिरका नौ। ठीक है, फिर से तीन से दे देते हैं तो यहां पर देखिए ती आठ है चौबीस। ठीक है, तीन एकम तीन, अब फिर से तीन से देंगे तो यहां पर देखिए तीन दुनी छः, ठीक है दो बचेंगे तो ती सात है इक्कीस। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, तीन से देंगे तो यहाँ पर देखिए तीन नाम सत्ताईस, फिर से तीन से देंगे तीन तिरका नौ, फिर से तीन से देंगे तीन एकम तीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन कितनी बार आया है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार आया है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे तीन की घात छः जो है ये इसके गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, तो गुणनखंड जो है बहुत आसान होता है, इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है वर्गमूल हमें निकालना है और घनमूल हमें निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर देखिए वर्गमूल हम सबसे पहले निकालेंगे, तो 81 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो 81 को हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये यह हो गया हमारा 81। ठीक है, और इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे गुणनखंड निकालने के लिए, जैसे लाइन खींचते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तीन से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा तीन, तो यहाँ पर देखिए तीन दुनी छः, यहाँ पर दो बचेंगे तो तीस सात है इक्कीस। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखिए, फिर से हम तीन से ही दे देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तीन नाम सत्ताईस। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर हम तीन से देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तीन तिरका नौ। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर दे सकते हैं तीन से ही, तो तीन एकम तीन। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो संख्या आई है इनको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन कितनी बार है, चार बार है। तो दो दो के जोड़े बना लीजिए, यहाँ पर देखिए दो का जोड़ा ये बन गया, दो का जोड़ा ये बन गया। इसमें से एक तीन बाहर निकाल लीजिए, इसमें से भी एक तीन बाहर निकाल लीजिए, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, तीन तिरका कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। और जो नौ है यही हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कि 81 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, नौ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे यहाँ पर 144 का वर्गमूल कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ये भी। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 144, इसके भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो से चला जाएगा, तो दो से दे देते हैं दो सत्ते चौदह। ठीक है, और यहाँ पर दो दुनी चार। ठीक है, फिर से दो से दे देते हैं तो दो तीया छः, सात थे तो एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे बारह, तो दो छिंग बारह। फिर से दो से देते हैं तो यहाँ पर देखिए दो एकम दो, तीन थे तो एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा सोलह, दो अट्ठे सोलह। फिर दो से लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दो नाम के अठारह। फिर दो से लगाते हैं, अब देखिए यहाँ पर दो से नहीं जाएगा, अब जाएगा हमारा काय से, अब जाएगा हमारा यहाँ पर तीन से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम तीन से ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन त्रिका नौ, फिर तीन से लगाएंगे तीन एकम तीन। ठीक है, तो जो संख्याएं आई हैं इनका हम फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो कितनी बार है, एक दो तीन चार, चार बार दो है। फिर इसके बाद तीन जो है वो दो बार है, तो यहाँ पर गुणा तीन गुणा तीन। ठीक है, दो दो के जोड़े बना लेते हैं, दो का जोड़ा ये बन गया, ये बन गया, और यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक दो को बाहर निकालेंगे, इसमें से भी एक दो को बाहर निकालेंगे, यहाँ
यहाँ पर से क्या बाहर निकलेगा, तीन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इन सभी का आप गुणा कर लीजिए, तो दो दुनी चार, चार दिया बारह, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बारह, और जो बारह है वो 144 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे कि घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों को और भी डिटेल्स में समझना है तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो घनमूल भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या है, देखिए 729 है, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर काय से भाग जाएगा, तीन से। तो चलिए तीन से हम भाग लगाते हैं, तो देखिए तीन दुनी छः, सात है तो एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे बारह। तो यहाँ पर ती चौके बारह और यहाँ पर तीन तिरका नौ, ठीक है। चलिए फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीन से ही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 है, तो ती अट्ठे 24, ठीक है, और तीन एकम तीन, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखिए 81 हो गया, फिर से तीन से चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तीन दुनी छः, फिर दो बचेंगे तो तीस सात है 21, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर तीन से ही लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए तीन नाम के 27, ठीक है। फिर से हम तीन से ही लगा देंगे, तो तीन तिरका हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पर फिर से हम तीन से लगा देंगे, तीन एकम तीन, ठीक है। तो अब ये जो संख्याएँ आई हैं इनको हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे, तीन कितनी बार है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार है। तो यहाँ तीन गुणा तीन गुणा तीन, तीन गुणा तीन गुणा तीन, छः बार है, तो छः बार हमने लिख लिया। अब तीन तीन के जोड़े बनाना है, जब भी हम घनमूल निकालेंगे तो तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो दो दो के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन तीन के जोड़े बना लेते हैं, ये तीन का जोड़ा और ये तीन का जोड़ा, इनको गुणा कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर यहाँ से एक तीन बाहर निकलेगा और यहाँ से भी एक तीन बाहर निकलेगा, इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा तीन गुणा तीन, कितना हो जाएगा, तीन तिरका नौ, ठीक है। तो इसका जो घनमूल है वो कितना आ गया है, नौ आ गया है। तो देखिए कितना आसान है, इतने ही आसान तरीके से आप भी निकाल पाएंगे। और डिटेल्स में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है साधारण ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत ही शानदार सवाल लिखा हुआ है, 10,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यह हमें बताना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालने का यहां पर जो फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले की मदद से साधारण ब्याज निकाला जाता है, ठीक है। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है मूलधन, दर और समय, तो ये हमें इसी सवाल से मिलेगा। तो देखिए ये वाली जो संख्या है ये क्या है, मूलधन है, ठीक है। यहां पर जो संख्या दी गई ये मूलधन है, ये हमारी दर है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो है हमारा समय है, ठीक है। तो इन सभी को उठाकर इस फार्मूले में रख दीजिए और हमारा ब्याज निकल आएगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, ब्याज बराबर मूलधन कितना है, देखिए 10,000 रुपए, यहां पर मूलधन के स्थान पर मूलधन रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। इसके बाद में गुणा 5%, देखिए दर कितनी है 5%, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 गुणा 3 वर्ष है समय, तो यहां पर आ जाएगा 3, और बटे में यहां पर क्या है 100 है, तो ये आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो यहां पर देखिए 100 से 2 जीरो कट जाएंगी यहां पर, और यहां पर क्या बचेगा, देखिए 100 बचेगा, तो ये हो गया 100 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो यहां पर देखिए 5 तिया कितने हो जाएंगे, 15, तो ये आ जाएगा 15 गुणा 100, ठीक है। तो 15 गुणा 100 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1500 रुपये, ठीक है। तो 1500 रुपये जो है वो हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप और भी अच्छे से इसको डिटेल्स में समझ सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, यहाँ पर है समीकरण हल करना सीखें। अब कुछ समीकरणों को हम हल करना सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारा पहला समीकरण है x+5=8। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो x है हमें x की वैल्यू को निकाल कर दिखाना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, देखिए x+5 = कितना है, 8 है, तो ये 8 आ गया, ठीक है। तो हम x को यहीं पर रहने देते हैं, बाकी संख्याओं को एक तरफ भेज देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x, ठीक है, बराबर 8 तो यहाँ पर पहले से है, 5 को उस तरफ भेजेंगे तो ये देखिए यहाँ पर प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया, 8 में से 5 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर हो गया x, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया है,
तीन आ गया है और यही क्या है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हल किया जाता है। अब इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं, हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं और दूसरे वाले प्रश्न को अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको उठा लाते हैं यहां पर। तो देखिए क्या है, एक्स प्लस पांच बराबर क्या है, छ एक्स माइनस तीन। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्स वाली संख्या है, यहां पर भी एक्स है और यहां पर भी एक्स है, तो एक्स एक्स वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, बाकी संख्याओं को एक तरफ भेज देंगे। तो यहां पर क्या है, एक्स है, तो ये हो गया एक्स, छह को इस तरफ ले आइए, तो यहां पर ये प्लस का इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का छह एक्स हो जाएगा, बराबर पांच को उस तरफ ले जाइए, तो यहां पर माइनस तीन पहले से है, पांच जो है ये प्लस का है उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का पांच हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर देखिए x है और यहां पर 6x है। ठीक है, तो यहां पर देखिए माइनस का संख्या बड़ी है, तो चिन्ह का एक आएगा माइनस का, तो यहां पर देखिए 6x में से 1x चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, बराबर यहां पर देखिए ये भी माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या, तो चिन्ह आएगा माइनस का और दोनों को जोड़ दीजिए, पांच और तीन कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, तो ये हो गया आठ। ठीक है, अब देखिए यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पांच एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आठ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पर गुणा में है, नीचे जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, आठ बटे पाँच हो जाएगा और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरणों को सॉल्व किया जाता है। अब इससे थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा वाला जो सवाल है ये देखिए बहुत आसान है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का है लेकिन बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा जो तीसरा सवाल है इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पंद्रह वाई बराबर 60 माइनस 5 बाय। क्लियर, चलिए अब ये हल कैसे होगा, तो देखिए बाय बाय वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, यहां पर देखिए क्या है 15 वाई। ठीक है, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये देखिए माइनस का इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 वाय हो जाएगा और बराबर में यहां पर क्या है, 60 है। ठीक है, अब देखिए 5 और 15 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो ये हो गया 20 वाय बराबर यहां पर कितना है, 60 है, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 वाय बराबर 6। 2 को नीचे ले जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाय बराबर 6 बटा 2, 2 काटेंगे तो 2 एकम 2 और यहां पर 2 3 6। ठीक है, तो ऊपर आ गया है हमारा 3, नीचे आ गया है 1, 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, यानी हमारा आ जाएगा बाय बराबर 3 और यही जो है हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। तो इस प्रकार से समीकरणों को हल किया जाता है। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट लगता है इन सवालों में, तो और भी मैंने सवाल पहले करवाए हुए हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।